हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 3 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण से आपके लिए परीक्षा के लिए कुछ अभ्यास कार्य करा रहा हूँ। इस अभ्यास कार्य को समझिए कि यह क्या है, क्योंकि यह परीक्षा के उद्देश्य से आपके लिए काम कराया जा रहा है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले मैं आपको कुछ बात बताऊँगा। इस परीक्षा में आपके लिए किस तरह के प्रश्न रहेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक प्रश्न रहेगा वस्तुनिष्ठ, दूसरा प्रश्न रहेगा वैकल्पिक। ये दो तरह के प्रश्न रहेंगे, दोनों के चार चार ऑप्शन रहेंगे, चार चार ऑप्शन रहेंगे, जिसमें आपको चिन्हित करना है कि आपका आपके लिए जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक सवाल देता हूं कि जैसे पहला सवाल रहेगा कि कौन सा शब्द, स्त्रीलिंग नहीं है। अब देखिए यह है प्रश्न आपका, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अब इसके बाद आपके पास चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में एक एक आंसर है। अब ये चार ऑप्शन में एक एक आंसर है, जैसे मोर, घोड़ी, गाय, हाथी, मोर, घोड़ी, गाय, हाथी। अब देखिए इसमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग का नहीं है, इसमें आपको ध्यान देना होगा, नहीं है लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए मोर, भोरी, ये तो स्त्रीलिंग है, गाय ये तो स्त्रीलिंग है, हाथी ये तो स्त्रीलिंग है। अब इसमें से कौन सा शब्द बचता है जो स्त्रीलिंग नहीं है, तो वह है मोर। तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, क। और इस तरह से आप इसको बनाएंगे। तो पहला प्रश्न आपका हो गया। इसी तरह से जितने भी प्रश्न आपके पास आएंगे वे सारे वैकल्पिक ही होंगे, इसलिए आप लोग उस तरह से उसकी समझ के। अब जैसे इसमें ये व्याकरण का, चूंकि स्त्रीलिंग शब्द व्याकरण का आता है, तो यह व्याकरण से मैं बता रहा हूँ आपको। और इसके बाद आप देखिए तो अब जैसे दूसरा प्रश्न, गुड़िया एक शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या है, गुड़िया शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। अब देखिए इसमें स्त्रीलिंग क्या होगा, अब जैसे आपके पास आ जाएगा गुड्डी, गुड्डा, उसके बाद गुड़िया, 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 ये चार ऑप्शन आपके पास आ गया, एक दो तीन चार। अब इसमें से देखिए गुड़िया शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। सर गुड़िया शब्द का स्त्रीलिंग नहीं है, तो खुद स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग क्या होगा। सॉरी हो जाती है कभी कभी मिस्टेक, स्लिप ऑफ टंग इसको कहते हैं, हाथ से अगर कोई छोटी सी गलती हो जाए उसको स्लिप ऑफ पेन कहते हैं, और जब जवान से कोई बात गलत निकल जाए तो उसको हम स्लिप ऑफ टंग कहते हैं, और यह स्लिप ऑफ टंग किसी से भी हो सकता है, तो यह मुझसे भी हुआ। तो अभी मैंने यहाँ पर बताया कि गुड़िया इसका पुल्लिंग क्या होगा, गुड़िया का, क्योंकि यह शब्द स्त्रीलिंग है, अब स्त्रीलिंग शब्द है तो पुल्लिंग क्या होगा। तो अब देखिए इसमें से चार आपके पास है, ये तो बहुवचन हो गया, ये अपभ्रंश हो गया, ये है ही नहीं, तो एक शब्द आपके पास बचता है बुड्ढा, तो ये ख के ऑप्शन में है, तो आपका आंसर क्या होगा, ख होगा। इस तरह से आप इसको याद करेंगे, बनाएंगे, और व्याकरण में इसी तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे।